हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बारे में। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में, मोहम्मद सिराज के बारे में, दिनेश कार्तिक के बारे में, ग्लेन मैक्सवेल के बारे में एंड साथ में बात करेंगे हम लोग जॉस हेजलवुड के बारे में। तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को गाइस आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ का यहाँ पे निकल कर आ रही है विराट कोहली की तरफ से। तो गाइस पे विराट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के चैनल पे गाइस पे एक पॉडकास्ट यहाँ पे आउट होने वाला है आज। तो गाइस यहाँ पे आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऑफिशियल में पोस्ट करके बताया गया विराट कोहली का एक पॉडकास्ट यहाँ पे आउट होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के चैनल में। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट गाइस यहाँ पे निकल कर आ रही है दिनेश कार्तिक के बारे में। सो गाइस दिनेश कार्तिक ने स्टेटमेंट दिया मोहम्मद सिराज के बारे में एंड विराट कोहली के बारे में, वहाँ पे बात किया जहाँ पे उन्होंने बात करते हुए कहा विराट कोहली इज लाइक ऑन एल्डर ब्रदर फॉर सिराज, ही रियली वैल्यू कोहली ए लॉट अस, ही हैज बैकड हिम व्हेन ही वाज अबाउट टू गेट ड्रॉपेड, विराट टोल्ड आई वांट टू हिम द प्लेइंग 11 रनिंग आईपीएल डेज। उन्होंने कहा कि विराट कोहली हमेशा मोहम्मद सिराज को यहाँ पे बैक करते हैं एंड उनको प्लेइंग 11 में लाने के लिए कहीं से पे पूरी कोशिश करते हैं विराट कोहली मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में लाने के लिए, एंड इसी वजह से कहीं से पे विराट कोहली को गाइस यहाँ पे हीरो मानते हैं अपने मोहम्मद सिराज एंड मोहम्मद सिराज को हमेशा गाइस यहाँ पे साथ देते हैं, विराट कोहली हमेशा बैक करते हैं मोहम्मद सिराज को। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट गाइस यहाँ पे निकल कर आ रही है जॉस हेजलवुड की तरफ से। तो गाइस पे जॉस हेजलवुड को लेकर गाइस यहाँ पे काफी सारी न्यूज निकल कर आ रही है जहाँ पे उनकी इंजरी को लेके, लेकिन फाइनल अपडेट के बारे में बात करेंगे। फाइनल रिपोर्ट क्या निकल कर आ रही है, तो फाइनल गाइस पे रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी कहा था एंड गाइस पे फाइनल रिपोर्ट ये है कि यहाँ पे आप सभी को जॉस हेजलवुड आईपीएल के स्टार्टिंग मैचेस में ही नजर आने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के टीम में। जी हाँ, स्टार्टिंग मैचेस से ही नजर आने वाले, यानी कि कोई भी मैचेस मिस नहीं करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के टीम के लिए जॉस हेजलवुड। तो आरसीबी के फैंस के लिए एक काफी अच्छी गाइस पे गुड न्यूज यहाँ पे निकल कर आ रही है एंड उनकी जो इंजरी है वो इंजरी गाइस यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं जॉस हेजलवुड एंड आईपीएल के स्टार्टिंग मैचेस से ही आप सभी को एम चन्ना स्वामी स्टेडियम में मुंबई के अगेंस्ट यहाँ पे आरसीबी के प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं जॉस हेजलवुड। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से। तो ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से भी अपडेट निकल कर आ रही है कि ग्लेन मैक्सवेल गाइस यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल ने लास्ट वीक स्टेटमेंट दिया था एंड उन्होंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई स्क्वाड में भी शामिल हुए हैं एंड ओडीआई में हम सभी को प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से नजर भी आने वाले हैं एंड जैसे सीरीज खत्म होगा एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को ज्वाइन करने वाले हैं, एम चन्ना स्वामी स्टेडियम पहुंचने वाले ग्लेन मैक्सवेल एंड उसके बाद आईपीएल की तैयारी करने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो आरसीबी की टीम के लिए गुड न्यूज पे गुड न्यूज यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो गाइस पे आज के लिए बस इतना ही न्यूज निकल कर आ रही थी आरसीबी की टीम की तरफ से। तो गाइस अगर आप लोग आरसीबी से जुड़ी न्यूज पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।